दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाले हैं जिसकी चार टांगे थी। क्यों दोस्तों, सुनकर चौंक गए ना? दोस्तों अक्सर जब हम अपने बारे में किसी को कुछ बताते हैं तो हम अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों को सामने रखते हैं, लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ बताने के लिए अपने शरीर के अंगों का विवरण दे रहा हो, जैसे कि मेरे दो कान, दो हाथ और दो आंखें हैं। ये दोस्तों सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों हमारी दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसे कहने की जरूरत पड़ती है, और वो है मिटल कॉर्बिन। उन्हें अपने परिचय में ये कहना पड़ता है कि मेरे दो नहीं बल्कि चार पैर हैं। मिटल कॉर्बिन का जन्म 12 मई 1868 को यूनाइटेड स्टेट के टेनेसी में हुआ था। मिटल को चार पैरों वाली महिला के रूप में जाना जाता था, और जब इनका जन्म हुआ तो सभी लोग हैरान रह गए थे। बेहद प्यारी और मासूम सी मिटल बाकी लोगों की तुलना में एक अंतर लेकर दुनिया में आई थी, और वो था उसके चार पैरों का होना। जी हाँ, मिटल के दो नहीं बल्कि चार पैर थे, जिनमें से दो तो सामान्य उसी स्थान पर थे, लेकिन बाकी के दो उसकी टांगों के बीचों बीच थे, जो कि मिटल की कमर के बीच के हिस्से के साथ जुड़े हुए थे। मिटल के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि मिटल के साथ जुड़ी हुई वो दो टांगे उसकी जुड़वा बहन की थी, जो कि इस दुनिया में आई ही नहीं। डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार जो जुड़े हुए जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें से एक के शरीर का तो एक पूरा आकार बन जाता है, लेकिन दूसरे के कुछ अंग पहले वाले बच्चे के साथ जुड़ जाते हैं। और दोस्तों ये कितनी विचित्र और अजीब बात है कि आप जन्म के साथ ही किसी दूसरे के अंगों को अपने साथ लेकर आए हों। और डॉक्टर्स के अनुसार मिटल अपनी अनजन्मी बहनों के इन अंगों को साथ लेकर आई थी। मिटल अपनी बहन के इन अंगों पर काबू तो पा सकती थी, लेकिन फिर भी चलते समय इन पर काबू पाना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। और दोस्तों साथ ही ये भी कहा जाता है कि उन दो जुड़े हुए पैरों में केवल तीन तीन उंगलियां ही थी। मिटल की इस विचित्र बात ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। जब वो मात्र 13 साल की थी तब उसके जीवन पर एक जीवनी भी लिखी गई थी, जिसका नाम बायोग्राफी ऑफ मिटल कॉर्बिन। मिटल अपने इस अतरंगी शरीर को मैचिंग मोजे और जूतों से सजाती थी, जिसके बाद वो काफी सुंदर लगने लगती थी। इसके अलावा मिटल की एक और बहन थी जिसका नाम विली एन था, और उसकी शादी 1885 में लोके बिकनेल नाम के लड़के से हुई। और लोके का एक भाई था जिसका नाम डॉक्टर जेम्स क्लिंटन था, जिसने अपने भाई की शादी के कुछ समय बाद मिटल को शादी के लिए प्रपोज किया था, और जिसके बाद 19 साल की उम्र में मिटल ने डॉक्टर जेम्स से शादी कर ली। लेकिन इन दोनों की शादी एक सच्चे प्यार की दास्तान को बयां करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खास बात ये भी है कि मिटल के शरीर में एक ही नहीं बल्कि दो योनियां थी, और कहा जाता है मिटल ने पांच बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से तीन का तो बचपन में निधन हो गया। मिटल के इन बच्चों के बारे में ये भी कहा गया कि उनके पांच में से तीन बच्चे पहली योनि से पैदा हुए और बाकी दो दूसरी योनि से। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है? इसलिए अगर हम साइंस की माने तो ऐसा होना संभव माना गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसलिए दोस्तों आप मिटल के इस साहस भरी जिंदगी के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।